नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कही चार बच्चे पैदा करने की बात, दो परिवार के लिए और दो सनातन धर्म के लिए। रायपुर। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने परिवार में चार बच्चों की वकालत की है। इनमें से दो बच्चे परिवार के लिए और दो सनातन धर्म को बचाने के लिए आवश्यक बताए हैं। वहीं बच्चों की संख्या को लेकर कानून लाए जाने के सवाल पर कहा कि जब इस पर कानून लाया जाएगा तब देखेंगे। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा शनिवार को पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान चर्चा में उन्होंने लड़के लड़कियों से माता पिता के कहे अनुरूप विवाह करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रेम विवाह का विरोध नहीं, लव जिहाद का विरोध है। विवाह करे मना नहीं है, लेकिन लड़का लड़की के अनुकूल होना चाहिए। राजनीति में धर्म के उपयोग पर प्रदीप मिश्रा ने कहा कि धर्म में राजनीति और राजनीति धर्म में चलता आया है। सत्ता के सिंहासन में किसको देखने के सवाल पर कहा कि युवाओं को रोजगार और धर्म को आगे बढ़ाने वालों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय अच्छा होगा। भारत हिंदू राष्ट्र वैसे भी है, सारे देवताओं का निवास, सभी देवताओं को पूजा जाता है। वहीं नक्सलवाद का जिक्र करते हुए कहा कि इससे मुक्ति के लिए सरकार लगी है। पत्रकारों की कलम में वो दम होता है जो बिगड़े हुए सुधार सकता है। नक्सलियों को ये संदेश देता हूँ कि वे राष्ट्रीय हित में काम करें। प्रदीप मिश्रा ने धर्मांतरण को लेकर कहा कि जो जहाँ है अपने धर्म में रहे, अपने धर्म का पालन करे। छोटे छोटे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो अपने धर्म में ले जाते हैं और अपने धर्म में मिल लेते हैं और अपने धर्म में मिला लेते हैं। इसमें गलती अपनी ही रहती है। लोग कहते हैं कि हम घर वापसी करा रहे हैं, हम कहते हैं कि गए ही क्यों थे। प्रयास करें इनको अपने धर्म में ही रखें। अगर संविधान के हिसाब से चलता है धर्मांतरण रुक सकता है। तुलसीदास ने भी शंकर रूपी कहा है, अगर विश्वास होता है तो अपने आप ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। अगर मैंने जल पिया है शंकर जी का, आपने अगर मन से निकाल दिया कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है तो सब सही होगा। डॉक्टर शंकर का ही एक रूप है, आप दिखाओ, जांच कराओ। शंकर पर चढ़ी बेल का जल पीते रहें, रोग का निवारण होगा। अगर कोई आपको तकलीफ से मुक्त कर रहा है तो वो शंकर का रूप है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24।